तो गर्मा गर्म रुगड़ा बन के तैयार है और ये देखिए दोस्तों, बहुत स्वादिष्ट, बहुत मस्त, एकदम लाजवाब। नानी, तोर नाती है? हाँ, मर नाती है बेटा। हाँ, कै गो बेटी है? तीन गो बेटी है बेटा। तो मोर दोस्त नहीं आहिस नानी? तो का गाना गाऊ? नहीं जानो ना बेटा, गीत शादी वाला या कोनवे वाला? तो कहबे के का कर रहल बानी बाबू, अथी का बनावता नहीं, का खाता नहीं। हाँ। कैसे बनेला, इमे का मसाला पड़ी, का अथी पड़ी, यही सब पूछे। नानी सकते हैं, गर्मा गर्म एकदम धुआं निकल रहा है बहुत। अरे है झारखंडी देहाती जामुन खुखड़ी, गर्मा गर्म एखने बहन है भात नहीं नानी? हाँ, एखने बहन है बेटा। पूरा खाना निकल चुका है, गर्मा गर्म रुगड़ा है, आम है, दाल लग लग। तो के किसन लग लग? बढ़िया लग लग बेटा। अच्छा लग लग? हाँ। नमस्कार, जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज हम लोग आपको रांची से 30 किलोमीटर की दूरी पर लेकर आए हैं और रांची जमशेदपुर रोड पर हैं हम लोग और इस जगह का नाम है तैमारा घाटी। और घाटी में ही यहां पर एक होटल है जहां पर आपको देसी झारखंडी खाना आज हम लोग खाने वाले हैं। होटल का नाम है बुढ़िया होटल। जी हाँ दोस्तों, इसी नाम से लोग सबको जानते हैं यहाँ पर। और इस तरीके से खपड़े का एक छोटा सा होटल आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, नानी होटल, बुढ़िया होटल कहते हैं इसको। और आज हम लोग थोड़ा झारखंडी मॉडल आज खाना खाने वाले हैं और रुगड़ा खुखड़ी आज सीजन चल चुका है, तो हम लोग आज आपको वही दिखाने वाले हैं कि रुगड़ा खुखड़ी बनाया कैसे जाता है। बहुत ही टेस्टी होता है, मेरा बहुत फेवरेट है और हम लोग जरूर इसको आपको दिखाएंगे, पूरा रेसिपी दिखाएंगे। चलिए नीचे चलते हैं, नानी है, रोड के नीचे आपको उतरना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे बाहर में ही नानी, देख लीजिए, पूरा रुगड़ा और खुखड़ी रखी है। जोहार नानी। हाँ, खुश हो गया बेटा। कैसे है? ठीक है बेटा। तो नानी के पास देख लीजिए खुखड़ी है, कौन खुखड़ी है नानी? ये जामुन खुखड़ी है बेटा। अच्छा, तो नानी देख सकते हैं जामुन खुखड़ी और ये रुगड़ा है ना? हाँ, ये रुगड़ा है। तो अभी धोने बैठे हैं? हाँ, धोने बैठे हैं। अच्छा, तो आज यही बनेगा? हाँ, यही बनेगा। अच्छा, तो इधर जंगल तरफ भी मिल जाता होगा? हाँ, जंगले में मिलता है बेटा ये। अच्छा। हाँ। और इधर बाजार में भी मिलता? हाँ, बाजार में भी, जंगल से चुन के ले जाता है तो बेचता है। अच्छा, आपका होटल का नाम क्या है नानी? होटल तो ऐसे बुढ़िया होटल कहता है बेटा। बुढ़िया होटल कहता? हाँ, है। हाँ। आप ही के लिए? हाँ। अच्छा, कितना साल पुराना है? ढेर दिन हो गया बेटा, 50 साल से ऊपर हो गया ये दुकान। अच्छा, तो आप ही शुरू किए थे? हाँ, हम ही शुरू किए थे। अच्छा, तो छोटा छोटा बच्चा लोग था ना, हम नहीं सकते थे तो लड़कियाँ को लाए। आपकी बेटी? बेटी है। हाँ। वो चलाती है अभी? हाँ, अभी बेटी है, चलाता है। और आप भी कभी कभी रहते हैं? हाँ, रहते हैं। ठीक, अच्छा रहते हैं तो रहते हैं दुकान पर। अच्छा। हाँ। तो चलिए दोस्तों, अभी नानी रुगड़ा को साफ करेगी, खुखड़ी को भी साफ करेगी, चलिए शुरू करते हैं नानी। अच्छा, तो दुयो धोवाए गलक नी नानी? हाँ, धोवाए गलक। तो जाम खुखड़ी भी धोवाए गलक और रुगड़ा भी धोवाए गलक? धोवाए गलक। हाँ बेटा। रुगड़ा पूरा साफ दिखत? हाँ, है पूरा साफ दिखत है। तो एखन के बीच से फारेक होई नी? हाँ, फारेक होई। अच्छा, नानी, नानी नानी तोर कतरा साल होते? 75 साल होते बेटा। 75 साल? हाँ। तब तो गीत मन छुपटे जानत होबे? नहीं जानो ना बेटा गीत। शादी ब्याह में कभी कभी गावत होबे? नहीं ए बेटा, बिहार में दे रहे तो हम कहाँ शादी ब्याह में। तो ससुराल कहाँ है? ससुराल तो ढेर, तो अखन तो लोधमा में रहो, तो लोधमा वाला घर तो भेज जाए बेटा, भेज जाए। हाँ। अच्छा, तो अखन ही रहो ना बापे माय कर घर में। अच्छा। हाँ। तो मुर्ख सवाद खाना बनी? हाँ बनी बेटा। तो चला रोरे बन के दिखाईला कि आज कर खाना किसन बनत है, रुगड़ा का नियर नानी रांधी सेखो दिखाए के है नी नानी? हाँ, हाँ, हाँ।
तो नानी तोर नातिया है? हाँ मर नाती है बेटा। अच्छा तू मदद करेला? हाँ मदद करेला। मदद करता है तुम? हाँ। अभी क्या कर रहा है तुम पढ़ाई में? अथी ग्रेजुएशन करेंगे अभी, एडमिशन नहीं लिए हैं। ट्वेल्थ खत्म हुआ? हाँ ट्वेल्थ खत्म हो गया। अच्छा तो नानी गरियाती है कि नहीं? थोड़ा बहुत गरिया ही सला नानी नहीं गरिया रे बेटा ची एकदम किचू किचू आए डर सकन तो गरियाओ ना मोहत और नातिया हो। हाँ तीन गो नाती मन है। अच्छा तीन गो। हाँ कै गो बेटी है? तीन गो बेटी है बेटा। तीन गो बेटी है? तीन गो बेटी में एगो बेटी करने खाए। अच्छा बेटा बेटी नाश हो गया एक बार आए गो को छोटकी टाकर दो गो बेटा है बेटा। अच्छा तो देख लीजिए नानी अभी रुगड़ा को काट रही है और रुगड़ा बनाने के लिए आपको बीच से तो फाड़ना पड़ता है तो सारा रुगड़ा को बीच से फाड़ लेगी। प्याज भी कट चुका है और रोहित भी मदद पूरा कर रहा है ना रोहित? हाँ ठीक बस। तो नानी तो इतना अच्छा खाना बनाए कहाँ से सीख ले? कहाँ से सीख लो माए बाप सिखाए रहे बेटा। अच्छा और नाना कब तक रहे? नाना तो छोटकी बेटी इतना बड़का रहे तब है 3 साल का तो है डेट कर लो बेटा। ओ तो तू तो अकेला ही होटल के खोल ले? हाँ अकेले खोल हूँ। और सब छुआ पुता मन के तो है? हाँ और बीच में दमाद तो डेट कर गए लोग। अच्छा इकर वाला तो बाबू भारी पाँव में रहे। अच्छा अब तो बीच में पगली हो गए कि कितना देखा सुना नहीं लड़की खड़ा हो है बेटा। हाँ तो बहुत मेहनत कर रही है? बहुत मेहनत से बच्चा के लेकिन बहुत मुश्किल से खड़ा कोई रहा बेटा। देखो दुकानदारी ये चलाएला मनी तो यहां बिक्री होए ला ठीक दुकान में आवे ना लगले तो होए ला बेटा कस्टमर मन आवे ना? आवे ना गाड़ियों वाला बहुत आवे ना गाड़ियों वाला दूरे दूर कर रहे ना गाड़ियों वाला ये थी दसम फल जितना आवे ना सब आवे ना बेटा मुर्गा मछली बनवाए के लिए। भोजपुरी गोठिया एक जानिस नहीं नानी? हाँ भोजपुरी तो गोठिया जाना। किसन गोठिया ना भोजपुरी में? भोजपुरी में गोठिया है ना बेटा कि का कोई चीज बनाब ना तो कहे के का कर रहल बानी बाबू अथी का बनाव तानी का खाता नहीं। हाँ। कैसे बनेला इमें का मसाला पड़ी का अथी पड़ी यही सब पूछेला लोग बेटा। तो ते भोजपुरी गोठिया कैसे जाने इसला? भोजपुरी तो ससुराल में रहो से जानू ना। कहाँ है ससुराल? ससुराल आरा जिला है। आरा जिला? हाँ। अच्छा तो यहाँ आके तो एगो भोजपुरी गाना गाए दे। तो नानी आप नाना से कैसे मिले थे? लव मैरिज? ना बेटा शादी हुआ था। कितना उम्र में आपका शादी हुआ था? 17 साल में शादी हुआ था। आप 17 साल के थे? हाँ हाँ। अच्छा तो नाना लोग बारात लेके गए थे? हाँ बारात लेके आए। अच्छा तो आप तो बहुत खूबसूरत लग रहे होंगे उस टाइम तो लगते होंगे बेटा। आप तो बुढ़िया गए तो बुढ़िया जैसा न दिखेंगे बेटा। हाँ तो शादी हो के आप सीधे बिहार चल गए थे? अब पहले लोधमा गए थे बाद में बिहार गए थे। अच्छा। हाँ लोधमा में भी जमीन उमीन है ना बेटा। अच्छा। हाँ तो पहले यहीं शादी करके ले गया था लोग। अच्छा। हाँ। जैसे कि प्याज लाल हो गया? हाँ लाल हो गया। तो दोस्तों देखिए प्याज लाल हो गया है और अभी नानी रुगड़ा को डाल रही है। डालिए नानी ये देखिए रुगड़ा डला गया अब रुगड़ा को भूंजना है। एखन का का डालत है नानी? अभी हल्दी डालत है बेटा। हल्दी? हाँ। तो दोस्तों रुगड़ा देखिए भुंजा चुका है और इसमें अभी मसाला पिसल मसाला को नानी डाल रही है। नानी ये होटल कितना बजे खुलेला समय क्या रहेला? हाँ 6 बजे बाबू खोल देला। 6 बजे बिहाने? हाँ। और बिहाने का बनाइसला नानी?
बिहान में चावल बनाए ना, कोई रोटी खाने वाला आए ना बेटा, तो रोटी सब्जी तड़का ये सब बनेला। जे मन रुगड़ा लान में से के भूंज देबे नी? हाँ भून दम। तो रुगड़ा अगर आप लोग लाइएगा तो नानी बना देगी, और बाजार दिन नानी भी बाजार से मंगवा सकती है, तो बाजार में मिले नानी? हाँ मिले ला। हाँ तो बाजार से तो ले आनबे। हाँ ऑर्डर पर? ऑर्डर पर। हाँ हाँ तो एखन पूरा रुगड़ा भूंजाए जा है, एकदम बहुत अच्छा खुशबू आवत है, और मोर मुंह में पानी आवत है, एकदम रुगड़ा एकदम लाले लाल भूंजाए जा है, और एकदम लटपट भूंज दे नानी। हाँ हाँ बेटा, एकदम मसाला मन भूंजाए जा है, और एक देख लेवा एकदम मस्त दिशत है, और नानी कर हाथ कर बनल रुगड़ा कर स्वादे कुछ और है, और पूरा एकदम शुरू से हमें देखा थे कि नानी कानी और बनाते हैं, और नानी कर खाना खाए है तो तैमारा यहाँ दसम फल थाना में आवे खोई, और नानी जे भी बनाएला बहुत स्वाद बनाएला, एकदम धीमे धीमे आँच में लकड़ी कर आँच में एकदम बनाते, और सिलोट लड़ा कर पिसल मसाला है तो और स्वाद हो जाए का नानी, तो बहुत सुंदर दिशा। और कितना टाइम लगी नानी? अभी तुरंत भून दे तो पानी हल्का डाल दे बेटा, हाथ से खाए के सेल से खाए के हो सेल, नहीं तो ऐसे ही उतार दे तो भूंजलो वैसे लागे। हाँ भूंजलो वैसे लागी बेटा, तो बहुत मस्त दिशा थे, देख लेवा एकदम मस्त दिशा थे। अब झोर करने के लिए यहाँ पे पानी डाला जा रहा है, इसमें देख लीजिए। हाँ अभी के खौलाए खोई नी? हाँ हाँ खौलाए खोई बेटा, खौलाए तो नहीं आता ये तुम पैर। तो देखिए पूरा लटपट रुगड़ा तैयार है, तैयार हो गया नानी? हाँ तैयार हो गया बाबू। हाँ तो एखन ओके उतराए खोई नी? हाँ उतराए खोई। तो रुगड़ा बन के पूरा तैयार है, और एकदम बहुत सुंदर दिख रहा है, नानी बना ली है रुगड़ा, अब इसको आजराएगी। तो गर्मा गर्म रुगड़ा बन के तैयार है, और ये देखिए दोस्तों बहुत स्वादिष्ट, बहुत मस्त, एकदम लाजवाब, आहा बहुत ही स्वादिष्ट बना है रुगड़ा, और एकदम हम लोग इसमें रख लिया गर्मा गर्म रुगड़ा खाने के लिए तैयार है। बहन के रखनी नानी? हाँ बहन के, बहुत स्वाद बहन है। हाँ स्वाद बहन है बेटा, बहुत सुंदर दिशा थे नानी। हाँ बढ़िया दिशा थे बेटा। अब खुखड़ी बनावे? अब खुखड़ी बना। तो अब खुखड़ी बनी ने नानी? हाँ खुखड़ी बनी। और आई जामुन खुखड़ी आ है, तो एकदम जामुन खुखड़ी यहाँ रखा ला है देखा, और मसाला उसने बन मसाला पर। अच्छा जो मसाला रुगड़ा में पर लग ना बेटा। हाँ। वो है मसाला इक्रम पर सेम। हाँ अच्छा, और एखन खुखड़ी ही यहाँ डाला थे, प्याज लाल हो जा है, अब बहुत स्वाद लागे ला जामुन खुखड़ी। हल्दी नमक डाल दे होई नी? हाँ हल्दी नमक डाल दे खोई बेटा, मसाला डाल दे खोई बेटा। ये है जामुन खुखड़ी, तो एकदम गर्मा गर्म खुखड़ी भी तैयार हो गया है, देख सकते हैं बहुत मस्त दिख रहा है। हाँ और नानी अभी सारा खाना परोस रही है, और देख सकते हैं गर्मा गर्म एकदम धुआं निकल रहा है बहुत, और ये है झारखंडी देहाती जामुन खुखड़ी, बहुत सुंदर दिख रहा है, और देखिए गर्मा गर्म अब खाना निकाला जा रहा है, और बहुत सुंदर देख सकते हैं सखुआ का पत्री में गर्मा गर्म भात, बहुत अच्छा एकदम बना है। और ऐसे आप लोग सादा खाना कितना में खिलाते हैं? दाल चावल 40 रुपया। 40 रुपया। और बहुत अच्छा एकदम गर्मा गर्म एखने बहन है भात नी नानी? हाँ एखने बहन है बेटा। और आज हमें रुगड़ा और खुखड़ी के संगे खाब नानी पूरा खाना निकला थे, और आंबा भी कीन के लाना ला है, तो आंबा भी रही, और यहाँ दाल 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 भी रही नी, दाल भुंजिया सब। हाँ, 45 रुपया प्लेट है, और यहाँ कर मैं फोन नंबर दे दूँ। हाँ, फोन नंबर आ है नी नानी? रोहित कर आ है। हाँ तो जे मन के आवे का है से मन फोन करके आ सके ना, और यहाँ खाना खाए सके ना, नानी भी रहे ना, नानी कर हाथ कर खाना खाए का है, तो
आए जावा और यहाँ बहुत सुंदर एकदम गर्मा गर्म खाना निकलत है। तो आपकी माँ है ना ये? हाँ। तो आप पूरा मदद करते हैं माँ का? हाँ, माँ का मदद, माँ नहीं सकती है तो हमें को ना करना पड़ता है। अच्छा, तो आप माँ के बाद आप ही संभाल रहे हैं पूरा होटल को ना? हाँ, माँ के बाद में हम ही संभाल रहे हैं। अच्छा, खाना आप नहीं ना सकती है मम्मी? हाँ। तो हमें को बनाना पड़ता है। अच्छा, चलिए अब हम लोग खाने बैठते हैं और आज हम लोग नानी के साथ खाएंगे। आज की हमारी फूड पार्टनर नानी है तो उन्हीं के साथ सारा खाना खाएंगे और कैमरा के पीछे शशांक भी है तो वो भी हमारे साथ रहेंगे। चलिए सबको मिलकर खाने चलते हैं। और दोस्तों देखिए पूरा खाना निकल चुका है, गर्मा गर्म रुगड़ा है, आम है, दाल यहाँ पर खुखड़ी है, भिंडी का भुजिया है और अचार भी रखे हैं ना। हाँ, तो नानी के हाथ का बना अचार देख सकते हैं और ये पूरा कंप्लीट थाली हो गया। चलिए अब खाने चलते हैं। नानी आपको खाना पड़ेगा हम लोग के साथ आज, ठीक है? चलिए, और इधर शशांक भी है और ये देखिए बैठने के लिए इस तरीके का सुविधा है, एक चौकी है, इधर पिड़ला बनाल है और इस तरीके का है और यहाँ पर नानी है और अभी हम लोग नानी को भी लेके जाएंगे खाने के लिए। तो दोस्तों एकदम गर्मा गर्म खाना आ चुका है, देख सकते हैं पूरा थाली हम लोग ले लिए हैं। और कैसा लग रहा है शशांक देख के? देख के बहुत सुंदर लग रहा है। और नानी आई हमारे संगे खाए खाए? हाँ बेटा, ठीक है। तो नानी को भी हम लोग साथ में बैठाए, अभी नानी के लिए भी ला रहे हैं। और ये देखिए तीनों का हम लोग का खाना आ चुका है और आज नानी भी बताएगी कि नानी का खाना तो हम लोग देख ही रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कहा नानी? हाँ बेटा। तो दोस्तों देखिए ये पूरा थाली और ये देखिए भाई रुगड़ा यहाँ पर है, तो हम लोग रुगड़ा को नीचे रख लेते हैं। इधर शशांक का थाली है, इधर नानी का थाली है और ये है खुखड़ी। चल नानी शुरू कर, बहुत इंतजार कर बाद हम एखन खाएक जाते का नानी? देख के तो बहुत स्वाद लागत है। खाए के देखो वही बेटा तबे न। इस साल नेवाइन कई रही है रुगड़ा? एक दिन दानाए रहे ना तीन बेटा। ओ, तो ये दूसरी धर है? इस साल कर मोर दूसरा रुगड़ा है, मोरो दूसरा रुगड़ा है। और एकदम गर्मा गर्म रुगड़ा बहुत मस्त दिशत है। वाह, क्या मस्त बना है इस नानी। और ये देखिए दोस्तों बहुत मस्त रुगड़ा, बहुत स्वाद बना है इस नानी। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हेलो, तो दोस्तों चलिए आप जामुन खुखड़ी दिखाते हैं। और ये देखिए भाई, ये है जामुन खुखड़ी, और नजदीक आओ। ये देखिए ये है जामुन खुखड़ी, कितना मस्त दिख रहा है। और इसके साथ भात खा रहे हैं हम लोग। तो एकदम देसी झारखंडी खाना लग रहा है क्या? हाँ। जामुन खुखड़ी खाया था पहले? नहीं, जामुन खुखड़ी नहीं खाया था। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मस्त लगा ना? तो नानी बहुत बहुत मस्त बनाए इस, तो एकदम बहुत अच्छा लग रहा। तो के किसन लग लग? बढ़िया लग लग बेटा। अच्छा लग लग? हाँ। बहुत अच्छा बनाए। हाँ, खाएक में का पसंद लागेला सबसे अच्छा? रुगड़ा की खुखड़ी? रुगड़ा बढ़िया लागेला बेटा। हाँ हाँ, खुखड़ियों तो बरन बरन कर खुखड़ी रहे। हाँ हाँ, एखन कर खुखड़ी जब जमीन भूड़ वाला उठी ना वो खुखड़ी बढ़िया लागेला। कौन कौन खुखड़ी खाए? बाला खुखड़ी खाए? हाँ खा हूँ बेटा। और जामुन खुखड़ी खाए? जामुन खुखड़ी नहीं खाए रहो बेटा। पहली बार होला? हाँ पहली बार होला। हाँ, आई खुखड़ी बालू खुखड़ी तो बहुत बढ़िया बनेल बेटा। वो पतियारी? हाँ पतियारी भी बढ़िया बनेला। मोर चैनल का नाम जानिस ला? नहीं जानो ना बेटा। नीतीश का? नीतीश एंड कुजिन। हाँ, तो हम लोगों को बहुत मजा आया, हम लोग काफी इंजॉय कर रहे हैं ये खाना। तो आप लोग भी आइएगा और इस वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और देखते रहिएगा नीतीश एंड कुजिन।